हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड गियर्स राय। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और नायब तहसीलदार का जो एग्जाम आ रहा है उससे रिलेटेड। अब देखिए, नायब तहसीलदार का एग्जाम, मैं सबसे पहले बात करूंगा दो स्टेट के बारे में, एक हरियाणा और दूसरा पंजाब। हरियाणा के अंदर नायब तहसीलदार के फॉर्म भरे हुए हैं और पंजाब के अंदर भी नायब तहसीलदार के फॉर्म भरे हुए हैं, तो दोनों का एग्जाम ही जो अप्रैल के अंदर हो जाएगा, अप्रैल से पहले पहले हो जाएगा, मार्च या फिर अप्रैल में दोनों ही स्टेट के अंदर एग्जाम जो है संभावित है। एक्सपेक्टेड डेट दोनों की रिलीज की गई है, मार्च और अप्रैल के अंदर हरियाणा और पंजाब दोनों का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए कि आप सर मुझे ये डाउट है, तो आप हमसे पूछ लीजिए। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस दोनों का 80% तो सेम है। अब 20% क्या लगा है? 20% है स्टेट जीके, स्टेट जीके हरियाणा वालों के लिए। हरियाणा के पेपर में हरियाणा की जीके पढ़नी पड़ेगी, पंजाब के पेपर में पंजाब की जीके पढ़नी पड़ेगी, बाकी सारा सिलेबस यहाँ पर सेम है। ये तो हो गई बात, ये क्लियर। अब नायब तहसीलदार के फॉर्म हर साल निकलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। साल में कई बार, साल में एक बार निकल जाते हैं, कई बार 2 साल में एक बार निकलते हैं। और पंजाब के अंदर तो निकले ही पहली बार है, नायब तहसीलदार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पंजाब में पहली बार हुई है। और हरियाणा के अंदर कई बार साल में एक बार निकल जाते हैं, कई बार 2 साल में एक बार निकलते हैं, लेकिन ये नायब तहसीलदार का एग्जाम कंडक्ट करवाते रहते हैं। हरियाणा के अंदर जो है ये नायब तहसीलदार का एग्जाम कंडक्ट करवाती रहती है बॉडीज। कई बार ये एसएससी कंडक्ट करवाती है और कई बार ये एचपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो इस बार ये जो एग्जाम हो रहा है ये एचएससी कंडक्ट करवा रही है। अब देखिए, वैकेंसीज कम है तो इसके लिए कंपटीशन भी टफ होगा। कंपटीशन टफ है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास एक्यूरेट स्टडी मटेरियल होना चाहिए कि जो आप पढ़ें और उस पढ़ने से आपको जो है सीधा क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में। एक्यूरेट करंट अफेयर्स होने चाहिए कि हाँ, करंट अफेयर मान लो आपने 100 पेज पढ़े करंट अफेयर के, तो उस 100 पेज में से आपके 12-13 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो सारे उसी में से हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए 150-150 पेजेस की मैगजीन पढ़ रहे हैं और आपको क्वेश्चन एक भी नहीं मिल रहा है, या फिर आप 50 पेज पढ़े और उसकी उसमें आपके जो 8 से 9 क्वेश्चन कवर हो जाए, तो ऐसा कुछ पढ़िए। ठीक है, तो एक्यूरेट स्टडी मटेरियल हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। नायब तहसीलदार से रिलेटेड जिनको भी स्टडी मटेरियल चाहिए, हम एचएसएससी और ये पंजाब पीसीएस, ये पंजाब नायब तहसीलदार दोनों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। स्टडी मटेरियल के लिए हमारे फोन नंबर है 9896160956। तो इस पे आप कांटेक्ट करके अपना नाम और अपने स्टेट का नाम, अगर आपको पेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये पेड स्टडी मटेरियल होगा, इसकी कुछ फीस रखी गई है, तो वो फीस आपको पे करके आपको स्टडी मटेरियल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। श्योरिटी रहेगी कि आपको स्टडी मटेरियल में से 80% पेपर जो है इसी स्टडी मटेरियल में से मिल जाएगा। ये भी बता देता हूँ, मान लीजिए आपका 100%, कोई भी चीज 100 है तो 100 में से अगर आप 80% सही करके आओगे, 80% अगर आप कट ऑफ में आ जाते हो, तो बिल्कुल आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिलेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, एक्यूरेट श्योर शॉर्ट स्टडी मटेरियल चाहिए, श्योर शॉर्ट स्टडी मटेरियल है जिसके अंदर कि आपकी सक्सेस बिल्कुल 100% श्योरिटी होगी कि उसमें हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो बार बार एग्जाम्स में पूछी गए हैं, बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। उनमें से लास्ट टाइम हमने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए स्टडी मटेरियल दिया था, उसमें से बच्चों के काफी अच्छे रिजल्ट आए, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर हरियाणा, कॉन्स्टेबल हरियाणा और इसके अलावा हरियाणा के एग्जाम्स हुए थे, उन सभी में अच्छा यहाँ पर रिजल्ट रहा। पंजाब पीसीएस के अंदर भी लोगों को स्टडी मटेरियल दिया गया था और उसमें से भी काफी क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन काफी हद तक जो है हमारे स्टडी मटेरियल में से कवर हुए थे। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करके आगे बढ़ा दीजिए ताकि किसी दूसरे तक पहुंच जाए। और जल्दी दोनों के एग्जाम होने वाले हैं, सभी को गुड लक। और स्टडी मटेरियल लेना हो तो इस नंबर पर कॉल करके आप लोग पता कर सकते हैं, 9896160956, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। पेड स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप फीस पे करने के लिए रेडी हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे।